इस तरह माहौल देख करके जहन में आता है कि या अल्लाह हम कहाँ चले आए तकरीर सुनाने। वो तो वैसे ही है जैसे लखनऊ का एक आदमी इतर बेचने वाला, इतर बेचते बेचते बंगाल पहुंच गया। इतर तो आप लोग जानते होंगे, पिया जाता है कि सूंघा जाता है, है? इतर सूंघा जाता है। लेकिन वो इतर बेचने वाला जब बंगाल पहुंचा तो एक बंगाली सामने निकला, बहुत अच्छा बोल रहा है, रहने दो तुम। एक बंगाली सामने निकला, कहा भाई देखे तुम्हारा इतर कैसा है। तो इतर बेचने वाले ने बंगाली के हाथ पे इतर लगाया तो सूंघने के बजाय उस बंगाली ने चाटा, और कड़वाता है इतर। जब कड़वाया तो गए तुम्हारा इतर तो खराब है, ले जाओ यहाँ से। तो इतर बेचने वाला बेचारा सोचा हाय अल्लाह हम कहाँ चले आए, सूंघने की चीज और चाटेगा तो कड़वाएगा नहीं तो क्या होगा। तो बक्से में डिबिया रखा और चल पड़ा, कहाँ इसी जगह बेचने से क्या फायदा जहाँ इतर की कदर ना हो। थोड़ी दूर बढ़ा तो एक दूसरा बंगाली निकला, देखा कहा भाई क्या बेच रहे हो। तो गुस्सा तो हो ही चुका था, कहा कुछ नहीं बेच रहा हूँ। कहा नहीं कुछ तो बेच रहे हो। कहा नहीं कुछ नहीं बेच रहा हूँ। कहा क्या हुआ भाई, क्या मामला, इतना नाराज क्यों। कहा इतर बेचने आया था लेकिन बेचूंगा नहीं। कहा क्यों। कहा जहां इतर की कदर ना हो वहां बेचने से क्या फायदा। तो कहा क्या फायदा, क्या हुआ। कहा एक साहब निकले, उन्होंने कहा मुझे इतर दिखाओ। मैंने उनके हाथ पे लगाया तो उन्होंने चाट लिया और मुंह बना के कहते कड़वा लगता है, तुम्हारा इतर अच्छा नहीं है। तो कहा तो वही बेवकूफ हमका दे, भात के साथ खाए वाली चीज खालिस चाटी तो कड़वाई ना तो और का हो, हमका लाओ। तो इतर बेचे वाला अपन खोपड़ी पीटे ला, कही हाय अल्लाह आज हम कहाँ चले आए। वही हाल आज यहाँ लगता है। अरे इससे पहले भी रब्बानी भाई ने आप लोगों ने मिल के जलसा कराया तो एक माहौल होता है सुनने सुनाने का। अब हम इधर घूमे तो कुछ कहें, इधर घूमे तो कुछ कहें, बताए इधर कितना मजमा, इधर अगर एक जगह होते तो कितना अच्छा लगता। सलमान नबी की मिलाद क्यों कराता, इसी को जो मिला उनसे मिला, ओ बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ। बेशक बेशक मुस्तगनी माने बेनियाज, कि हम तो नमाज रोजा करके बख्शे जाएंगे, नबी की क्या जरूरत। वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ, बेशक बेशक वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ, ओ है खलीलुल्लाह को हाजत। बेशक वो है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की, इसलिए हम अपने नबी की मिलाद करते हैं, इंशाल्लाह करते रहेंगे। जो मिला है सब उन्हीं के वसीले से मिला है। अल्लाह ताला ने हमको आपको पैदा किया, अभी हजरत ने बताया, एक दूसरी आयत मैंने पढ़ी है उसी तरह की, सूरह मुल्क की आयत है 29वां पारा है। अल्लाह फरमाता अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता, खुदा वो है जिसने मौत को पैदा किया और जिंदगी को पैदा किया।
मौत को भी उसी ने पैदा किया और जिंदगी भी उसने बनाई। क्यों? तो अल्लाह वजह बताता है, लियबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि वो तुम्हारा इम्तिहान ले ले कि तुम में का अमल के एतबार से अच्छा कौन है। अच्छा ये बताओ, अल्लाह ताला तो सब कुछ जानता है, सबके बारे में जानता है, कौन क्या करेगा कौन नहीं करेगा, तो इम्तिहान लेने की क्या जरूरत है? इम्तिहान तो वो लेता है जिसको पता ना हो। मौलाना गुलाम हैदर साहब किसी बच्चे का इम्तिहान लें तो किस लिए लेंगे? कि देखें बच्चा कितना जानता है। तो इम्तिहान वो लेता है जिसको पता नहीं कि ये सामने वाले की हैसियत क्या है। अब अल्लाह सब कुछ जानता है तो फिर इम्तिहान लेने के लिए क्यों पैदा किया? ऐसे जिसको चाहता जन्नत में ढकेल देता, जिसको चाहता दोजख में ढकेल देता। अल्लाह जाने वहाबी हुजूर को तो कहते हैं कि इल्म गैब नहीं जानते, खुदा को भी कह देना चाहिए माज़ल्ला कि खुदा भी नहीं जानता था, इसीलिए पैदा किया कि अल्लाह देख ले कि कौन अच्छा अमल करेगा। जैसे कि हुजूर के बारे में कहते हैं कि हुजूर जा रहे थे मेराज की रात में, तो एक जगह देखा कि लोगों की जबान कैंची से काटी जा रही है। हुजूर ने जिब्रील से पूछा, जिब्रील ये कौन लोग हैं? कहा ये वो लोग हैं जो लोगों की चुगली खाते थे, इधर की उधर लगाते थे। आज गांव में होते हैं इधर की उधर लगाए वाले, ऐसे लोग कितने बदनसीब हैं जो इधर की उधर लगाते रहते हैं। अल्लाह कुरान में फरमाता है, वैलुल लिकुल्ली हुमदतिल लुमदा, हिलाकत है बर्बादी है उस शख्स के लिए जो लगाए बुझाई करे। हुमदतिल लुमदा, इधर की उधर, उधर की इधर करे। इधर की उधर ये कहाँ है जाना? तो बात हदीस की है, आप तो कहोगे भूंडी बात है, लेकिन मेरे पैगंबर ने जो फरमाया वो बरहक फरमाया। हक को बयान करने में ना अल्लाह ने हया महसूस की ना रसूलुल्लाह ने हया फरमाया। ये उधर की उधर लगाने वाले कौन है कैसे जानते हो? हदीस पाक में, अल मुनाफिकु कशातिल आयरा, इधर की उधर लगाने वाला उस उठी हुई बकरी की तरह है। उस उठी हुई बकरी की तरह है, तईरु इला हादल गनम व तईरु इला हादल गनम, जो उठी हुई बकरी कभी इस अंडू की तरफ भागती है कभी उस अंडू की तरफ भागती है। यही हाल है उसका जो इधर की उधर लगाता है, जबान कैंची से काटी जाएगी। जिब्रील से सरकार ने पूछा, जिब्रील ने बताया, तो वह भी वह कहा थे अगर हुजूर का इल्म गैब मालूम हो तो काहे पूछती? बोलो भैया। तो ऐसे ही अल्लाह के बारे में भी कह देना चाहिए कि अल्लाह जानता नहीं था तभी दुनिया में पैदा किया ताकि लोगों का इम्तिहान ले ले। लेकिन ऐ लोगो, निजामे कुदरत अल्लाह की ऐसे ही है। हमारा तुम्हारा इम्तिहान लेने के लिए खुदा ने हमें तुम्हें जिंदगी भी दी और मौत भी दिया। मौत और जिंदगी के बीच में हमें इम्तिहान देना है। ये हम जो भी 60 साल, 50 साल, 10 साल, 70 साल, 80 साल की जो मोहलत पाते हैं, ये हमारा इम्तिहान देने का वक्त है। अभी हजरत मौलाना अनवार साहब और हाफिज इकरार साहब पढ़ रहे थे कि सर दे दिया शब्बीर ने सजदे में, क्या सजदा नहीं छोड़ा? सर दे दिया शब्बीर ने सजदा नहीं छोड़ा। अच्छा इमा कत्ते लोग हैं जो ईशा की नमाज पढ़ के बैठे हैं बताओ? और फिर हुसैन के नाम पर सुभान अल्लाह भी
ऐसे सुभान अल्लाह कहने से काम नहीं चलेगा जब तक के हुसैन के रास्ते को नहीं अपनाओगे। सर दे दिया शब्बीर ने, सजदा नहीं छोड़ा, और हम सजदा से इतनी दूर हैं। मुसलमान आज खाने में आ गए। तीन लोग, एक जमाना था कि तीन लोगों ने सैर किया, तीन धर्म के मानने वाले, एक ईसाई, ईसा अलैहि सलाम का मानने वाला, एक यहूदी, मूसा अलैहि सलाम का मानने वाला, और एक मुसलमान, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाला। तीन लोग सफर में निकले, रास्ते में भूख बहुत लगी, कुछ खाने को नहीं था। किसी को रहम आया तो एक प्याली खीर दे दिया तीनों को। तो तीनों ने सोचा कि यार खीर तो बहुत थोड़ी है, तीनों लोग खाएंगे तो किसी का भला नहीं होगा, लिहाजा तीनों में से एक आदमी खीर खाए ताकि उसका भला हो जाए। तो अब ये हुआ कि खीर खाए कौन, एक ही आदमी खाए जिसका पेट भर जाए, लेकिन कौन खाए। तो तीनों पंचायत की इनकी कुछ नहीं, तीनों मिला सो जाओ और सुबह उठो, उसके बाद अपना अपना ख्वाब बयान करो। जिके ख्वाब सबसे अच्छा होगा वही इस खीर को खाएगा। तो खीर धेगे तो गए तीनों सो गए। तो ईसाई सो गया और यहूदी भी सो गया। सब जल्दी सोए गए कि जल्दी ख्वाब देखवे ताकि सुबह नहीं खीर मिलेगी। और मुसलमान का बगैर खाए कहाँ नींद आवेगी, वहू लेटा लेकिन खीर की याद माओ के नींद आवे नहीं। लेकिन अब दोनों के यहाँ सुलावे के लिए वहू अपन आँखें बंद की हिस और खर्राटा ले ला, खर्राटा ले ला। दोनों सोचें बहुत पक्की नींद सोए थे, उन्हों दोनों सोए गए। लेकिन जब दोनों गहरी नींद सोए, जब सोए गए तब मुसलमान उठा और खीर उठाए के खाइस, पानी पीस, तब सुकून की नींद उसे मिली, सोया। सुबह हुई तो ईसाई भी जल्दी से उठ पड़ा कि खीर खाना है, यहूदी भी उठ पड़ा जल्दी से कि खीर खाना है। दोनों उठे और मुसलमान का कौन जरूरत है उठे, वो तो खाए पिए मस्त है। तो दोनों का उठावे तो उठावे तो यू करवट हो जाए, बाहर से उठावे तो यू करवट हो जाए। बहुत ही कोशिश करके दोनों ने उसको उठाया। जी है, छोटा भी मानेगा बड़ा भी मानेगा, भूख में नींद नहीं आती, सब लोग जानते हैं। ठीक है भाई साहब, बहरहाल दोनों उठे, अब उसको जगा रहे हैं, वो कभी ये करवट कभी वो करवट। दोनों ने पकड़ के बिठा ला। जब बैठा मुसलमान तो आंखें मिल मिले, उसके अच्छा भाई तुम लोग अपन ख्वाब बयान करो। तो यहूदी ने कहा, ईसाई ने कहा, देखो ईसा अलैहिस्सलाम चौथे आसमान पे हैं, मूसा अलैहिस्सलाम छठे आसमान पे हैं। जैसे कि हुजूर मेराज की रात में गए तो पहले आसमान पे आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, ऐसे ही नबियों से मुलाकात हुई। तो ईसा अलैहिस्सलाम चौथे आसमान पे, मूसा अलैहिस्सलाम छठे आसमान पे। तो यहूदी ने कहा आज ये खीर मैं खाऊंगा। कहा क्यों? कहा लोग जमीन का ख्वाब देखते हैं, मैंने आसमान का ख्वाब देखा। कहा देखा? कहा सो रहा था, मेरे पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम आए और वो मुझे उठाए और कहा चल आज मैं तुझे आसमानों की सैर कराऊंगा। मूसा अलैहिस्सलाम मुझे चौथे आसमान पे लेके गए, टहलाया, लिहाजा मैंने आसमानी ख्वाब देखा है, सबसे अच्छा ख्वाब है, खीर मैं खाऊंगा। तो ईसाई ने कहा सुनो, तुम चौथे आसमान पे थे, मेरे पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने मुझे बेदार किया और वो मुझे आसमानों की सैर कराते कराते छठे आसमान पे लेके गए।
लिहाजा तुमसे दो मंजिला ऊंचे मैं था, लिहाजा वो खीर मैं खाऊंगा। तो मुसलमान चुप। तो दोनों कहें तुम बताओ तुम का देखे हो। मुसलमान ने कहा कि क्या बताएं, मैं जैसे सोया वैसे मेरे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और उन्होंने मुझे उठाया का उठ, कल तुझे रोजा रखना है, सेहरी नहीं खाएगा, जल्दी सेहरी खा, कल तुझे रोजा रखना है। तो फिर मैंने सेहरी खाया, रोजे की नियत कर ली। तो कहीं कौन चीज सेहरी में का खाए, कहीं क्या खाता, खीर के अलावा और कुछ था? कहा खीर सेहरी में खाया तूने? कहा कितना खाया? कहा थी ही उसमें कितनी। उठाया कटोरी तो सब साफ। तो लोगों ने कहा यार तुम बड़े बेमुरव्वत निकले, कम से कम हम लोगों को भी जगा लेते, हम लोगों को भी खिला लेते। मुसलमान ने कहा मैं बहुत जगाया, बहुत चिल्लाया, मैं बहुत आवाज दिया, लेकिन तुम चौथे आसमान पे थे, छठे आसमान पे थे, कहाँ तक चिल्लाऊं? तो मैंने खा लिया, रोजी की नियत कर ली। ये खाने में आ गया, अमल की दुनिया में पीछे। सर दे दिया सदबीर ने, सजदा नहीं छोड़ा। खाना सब खा के बैठे होंगे और ईशा की नमाज इल्ला माशाल्लाह, जिसके नसीब में होगी उसे ने पढ़ा होगा। लोगो अल्लाह ने दुनिया में भेजा है अच्छे अमल के लिए, अच्छे अमल करो। ये महीना शाबान का शुरू हो गया, इसके बाद बड़ा बाबरकत महीना आने वाला है। परसाल तो 29 शाबान को रब्बानी ने बुलाया था। इस मर्तबा अल्लाह का शुक्र है कि एक महीना पहले आपके गांव में हाजिरी हुई। मिलाद वही कराते हैं जिन्हें अपने नबी से सच्ची मोहब्बत होती है। सहाबे किराम ने मोहब्बत किया। आज हम लोगों ने सिर्फ नाम का दावा है कि हम नबी से मोहब्बत करते हैं। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन जा रहे थे और दो लोग बकरी का रान भून के बैठे खा रहे थे। अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु को बुलाया, कहा अबू हुरैरा तुम भी खा लो। अबू हुरैरा कहते हैं मेरे पैगंबर ने कभी जौ की रोटी पेट भर नहीं खाई, मैं बकरी का रान भुना बैठ के खाऊं? नहीं खाया अबू हुरैरा साहबी ने। मोहब्बत थी सहाबा को। हजरते अब्दुल्ला बिन उमर, हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु के लड़के अब्दुल्ला मदीना के बाहर एक मैदान में अपनी ऊँटनी घुमा रहे थे। ऐसे ऐसे और हम लोग जानवर को कब घुमाते हैं? जब धान दावे को होते तब, या गेहूं दावे को बोलो, अब तो दावना खत्म। अब्दुल्ला बिन उमर मदीने के बाहर मैदान में अपनी ऊँटनी को घुमा रहे थे। लोगों ने देखा कि इनके ऊँटनी घुमाने का मकसद क्या है। लोगों ने पूछा अब्दुल्ला ऊँटनी क्यों घुमा रहे, कुछ है भी नहीं उसके नीचे। का इससे मतलब नहीं है कि कुछ है कि नीचे, लेकिन नहीं है, लेकिन मैंने अपने पैगंबर को एक मर्तबा यहाँ ऊँटनी घुमाते देखा था, तो अपने नबी की सुन्नत में मैं भी घुमा रहा हूँ। समझ में आए ना आए, लेकिन नबी को देखा था तो वो अब्दुल्ला बिन उमर वैसा करने के लिए मजबूर। ऐ लोगो अपने नबी से सच्ची मोहब्बत करो। मोहब्बत का मतलब है कि उनकी सुन्नतों पर अमल करो। हजरत अबू हजरत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन जा रहे थे, हातिम ताई की लड़की जो भी मुसलमान नहीं हुई थी नंगे सर जा रही थी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह हातिम ताई की लड़की पर पड़ा, देखा नंगे सर, तो सरकार आगे बढ़े और अपनी चादर रहमत उतार कर हातिम ताई की लड़की के सर पे डाल दिया। तो उसके आंखों में आंसू आ गए, कहा मैंने कलमा भी नहीं पढ़ा,
इनकी दावत को भी मैंने कबूल नहीं किया, लेकिन इनके रहमो करम का आलम देखो कि मेरा नंगा सर देखा तो अपनी चादर रहमत मुझे अता कर दी। रो पड़ी, कहती मोहम्मद खुदा की कसम मुझे यकीन हो गया कि तुम्हारी नबूवत भी सच्ची है, तुम्हारी रिसालत भी सच्ची है। ईमान ले आज हम शादी ब्याह में अपनी बच्चियों को, अपनी माँ बहनों को किस तरह घुमाते हैं। ए लोगो, जरा गौर करो कि तुम्हारी लड़की नंगे सर तो नहीं है कहीं, तुम्हारी बहन नंगे सर तो नहीं है कहीं। एक दफा हुजूर ने फरमाया, ला तदखुलुल जन्नता सलासतु रिजालिन, कि तीन आदमी ऐसे हैं जो जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। तीन आदमी जन्नत के करीब नहीं जाएंगे। पूछा गया कौन, तो नंबर एक पर फरमाते अल कातिल, कत्ल करने वाला, जो किसी को कत्ल करे, जिस किसी का खून बहाए तो ऐसा कातिल जहन जन्नत में नहीं जाएगा। कत्ल करना मेरे नबी के नजदीक बहुत बड़ा गुनाह है। कुरान में अल्लाह फरमाता मन अहया, जिसने किसी को बचा लिया, जिसने एक जान बचा लिया, मन अहया जिसने एक जान बचा लिया, फकअन्नमा अहयन्नास जमीआ, तो उसने गोया कि एक जमात की जान को बचा लिया, एक को नहीं बचाया। जिस एक को बचाया तो उससे पैदा होने वाली औलादों को बचा लिया, फिर औलादों से पैदा होने वाली औलादों को बचा लिया। सरकार कुरान कहता है कि एक जान बचाने वाला गोया कि एक जमात की जान बचा रहा है। कत्ल न करो, जान न लो किसी का, जान बचाने की कोशिश करो। कुरान ने कहा जान बचाओ, अल्लाह तुमसे राजी हो जाएगा। कातिल जन्नत में नहीं जाएगा। दूसरे नंबर पर सरकार ने फरमाया वज़ानी, और ज़िना करने वाला भी जन्नत में नहीं जाएगा। आज लोग कहते हैं कि फंस गया था। अरे तारीख देखो, एक बुजुर्ग थे जिनका नाम है मुश्की, मुश्की उनका नाम था, ना समझो कि मुश्की मारा करता था। मुश्की नाम था, यानी उनके बदन से मुश्क की खुशबू आती रहती थी। जब भी जहां जाते उनके बदन से मुश्क की खुशबू निकला करती। मस्जिद में जाते तो नमाजियों में झगड़ा, सब उनके बगल में ठाड़ हुए कोशिश करते कि ताकि नमाज भी हो, मुश्क की खुशबू भी मिलती रहे। एक दिन लोगों ने कहा मुश्की, हम लोग इतना अच्छा अच्छा इतर लगा के आते, हमारा बदन नहीं महकता, और तुम्हारे बदन से ऐसी खुशबू निकला करती है, किस मार्केट से तुमने खुशबू खरीदी? तो मुश्की कहते मैंने कोई खुशबू नहीं लगाया। फिर कैसे? तो अपनी जिंदगी का वाकया बयान करते हैं। कहते हैं मैं बहुत गरीब बाप का बच्चा, मेरे बाप ने गरीबी की वजह से मुझे कपड़े की दुकान पर रख दिया था। मैं अपने मालिक को कपड़ा उठा उठा के देता था। एक दिन एक बुढ़िया अपने पतुओं के लिए कपड़ा लेने आई, चार पांच थान निकलवाया। उसके बाद मेरे मालिक से कहा कि मुझे अपनी बहू के लिए कपड़ा लेना है, बहू घर में है, ये कपड़े मैं ले जाऊंगी, जो बहू पसंद करेगी ले लूंगी, बाकी कपड़े वापस कर दूंगी, इस बच्चे के हाथ मेरे घर भेज दो। मुश्की कहते हैं मेरा बचपना था, बचपना मतलब यह कि बालिग हो चुके थे, रेखाएं आने वाली थी। वो कपड़ा लेकर के उस बुढ़िया के घर गए। कहते हैं जब मैंने कपड़ा रखा, उसने अपनी बहू को बुलाया और उसकी बहू ने मेरे चेहरे को देखा। अल्लाह ने मुझे जवानी भी दी थी और काफी खूबसूरती भी अता फरमाई थी। बहू ने जब मेरे चेहरे को देखा तो मेरे ऊपर इस तरह फरेफ्ता हुई कि कपड़े का लेन देन उसको कुछ ध्यान ही नहीं। मेरे ऊपर इस तरह दीवाना हुई और मुझसे गुनाह चाहा। मैंने इनकार किया तो वो खंजर निकाल के लाई, कहा मुझसे करीब हो वरना तुम्हें कत्ल कर दूंगी।
कहते हैं मैं परेशान था, दिल ही दिल में सोच रहा था कि या अल्लाह जान बचाना भी जरूरी है और गुनाह से अपने आप को बचाना भी जरूरी है। अल्लाह कोई रास्ता पैदा कर दे कि गुनाह से भी मैं बच जाऊं और अपनी जान भी बचा लूं। कहते हैं मुझे कोई सूरत समझ में ना आई, इतने में मुझे पैखाना लगा। मैंने कहा है अल्लाह की बंदी, मुझे पैखाना कर लेने दे, फिर जो तेरी मर्जी होगी तू कर लेना, मैं राजी हूं। वो लेकर के गई लेटरिन में। कहते हैं कि मैं लेटरिन के अंदर पैखाना कर रहा था और वो बाहर खंजर लिए खड़ी थी। मैं सोच रहा था या अल्लाह गुनाह से कैसे बचूं और जान कैसे बचाऊं। फिर मेरे दिल में ये इरादा पैदा हुआ कि आज अल्लाह ने अगर मुझे खूबसूरत न बनाया होता तो ये मुझे गुनाह की दावत न मिलती। इस चेहरे की खूबसूरती की बुनियाद पर आज मुझे गुनाह की तरफ बुलाया जा रहा है। कहते मैं पैखाना कर रहा था, जो पैखाना मैंने किया तो वही पैखाना उठा करके मैंने अपने चेहरे पे लगा लिया, बदन पे लगाया कि आज ये अगर खूबसूरत चेहरा न होता तो गुनाह की दावत न मिलते। जब मैंने अपने खूबसूरत चेहरे को पैखाने से गंदा किया, जिस्म को गंदा किया, फिर जब मैं बाहर निकला तो जो औरत खंजर लिए खड़ी थी मेरे लिए, जब उसने मेरी गंदगी देखा तो चीख पुकार, चीख निकाल कर भगी का भगाओ भगाओ, कोई सिर्री आ गया, कोई पागल आ गया मेरे यहाँ, इसको भगाओ जल्दी से यहाँ। मुस्की कहते हैं कि मैं वहां से चला आया, मेरी जान बची। घर पे आया, मैंने कपड़े निकाले, मैंने अपने आप को साफ किया, धुला, नहाया, वजू बनाया, कपड़ा पहना, फिर मैंने दो रकात नमाज शुक्राने की अदा की कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मेरी जान भी बचा लिया और तूने मुझे गुनाह से भी बचा लिया। मुश्किल फरमाते हैं जब मैं दो रकात नमाज शुक्राना अदा करने के बाद रो रो करके बारगाह मौला में शुक्र अदा करने लगा तो एक गैबी आवाज मैंने सुनी, एक गैबी आवाज आई कि मेरे बंदे तूने मुझे राजी करने के लिए अपने को गंदा किया। सुन ले मेरे इज्जत और जलाल की कसम, पूरी जिंदगी तेरे बदन से हम मुश्क की खुशबू पैदा करेंगे। तभी से अल्लाह ताला मेरे बदन से मुश्क की खुशबू निकाल रहा है। पता चला कि इंसान जब दिल से सोच लेता है कि हम गुनाह से बचेंगे तो अल्लाह ताला उसके लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल देता है। अल्लाह का वादा कभी गलत नहीं हो सकता। कुरान में मैयत तकिल्लाह, जो अल्लाह से डरेगा, यजअल्लहू मखरजा, अल्लाह उसके लिए निकलने का कोई रास्ता बनाएगा, वयरज़ुकुहु मिन हैसु यहतसिब मिन हैसु ला यहतसिब, और इतना उसको देगा, इतना उसको देगा कि वो सोच भी नहीं पाएगा कि कहां से इतना मिल गया। खुदा का डर पैदा करो, गुनाहों से बचने का इरादा करो, रास्ता निकालने वाला तो खुदा है। जानी जहन्नम जन्नत में नहीं जाएगा। तीसरे नंबर पर सरकार ने फरमाया वह दयूस, और दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। सहाबा ने सुना तो कातिल तो समझते थे कत्ल करने वाला, जानी जिना करने वाला जन्नत में नहीं जाएंगे, लेकिन जब दयूस सरकार ने फरमाया तो सहाबा नहीं समझ पाए कि दयूस कौन है। पूछा अल्लाह के रसूल दयूस कौन है जो जन्नत में नहीं जाएगा, तो सरकार फरमाते दयूस वो इंसान है जिसकी माँ बहन बेटी बेपर्दा घूमे और उन पर वो ताकीद न करे, वो दयूस। लोगो शादी ब्याह में अपनी बच्चियों को, अपनी बहनों को नंगे सर घूमते देखना और जेबो जीनत करके लोगों के सामने आना जाना, फिर बाप को तकलीफ नहीं है, बाप खुश हो रहा है कि मेरी लड़की मेरी बहन कितनी अच्छी है, लोग देख देख कर मेरे ऊपर वाह वाह करते होंगे कि फला की औलाद इतनी अच्छी।
ये नियत करके अपनी माँ बहन बेटियों को बेपर्दा घुमाने वाला इस्लाम में दयूस है, और दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। लिहाजा आए लोगों, अपने पैगंबर की जिंदगी को सामने रखो। जब हातिम ताई की लड़की का नंगे सर रहना मेरे पैगंबर ने गवारा ना किया, तो हमारी तुम्हारी औलादें नंगे सर घूमे, बेपर्दा घूमे, तो क्या रसूलुल्लाह को तकलीफ नहीं होगी? क्या अल्लाह राजी हो सकता? ऐ लोगों, हया ईमान का है आधा हिस्सा है। हदीस में आया, अल हया व शोबतु मिनल ईमान, हया ईमान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। हया, अल्लाह ताला से दुआ मांगा करो कि अल्लाह ताला हमको शर्म व हया अता फरमाए।